सर फोटो कर दो बस इधर ये भी रुकिए ना सर यस यू जस्ट वॉच आईबी और शुड गो वॉच यस जरूर जाना बिल्कुल वेट ओके माइक्रोफोन करो क्या कहना चाहोगे फाइनली मूवी रिलीज हो गई जिसका काउंटडाउन चालू था मूवी रिलीज हो गई है आप कितने एक्साइटेड और यू नो कैसा फील कर रहे हैं नहीं बहुत एक्साइटेड हूँ जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया है दोस्तों ने भी देना शुरू कर दिया है बहुत पहले से सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू काफी ज्यादा यू नो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी ये मूवी से लेकर आप पर्सनली कितना कौन सा यू नो सीन आप पर्सनली पसंद करते हो कौन सा सीन आपके लिए पर्सनली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था नहीं और सीन्स के अलावा मुझे लगता है जिस तरह से हमने अपने देशवासियों को दिखाया है कि हमने क्या किया था 1971 की जंग में वो जो जानते हैं उसके अलावा क्या क्या किया है आई थिंक मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमने काफ़ी सच्चाई दिखाई है और लोगों को पसंद आनी चाहिए कहीं ना कहीं यू नो अभी लोग ये एंगल ले रहे हैं कि एंटी पाकिस्तानी मूवी वापस एक और है कि एंटी पाकिस्तानी मूवी आ गई आपको इस बारे में क्या कहना मतलब देश के हम लोग देश के लिए ही जी रहे हैं और जो भी हमें लगता है कि हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सच्चाई का हम वही कर रहे हैं सो खुश तो हैं सर ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि एक सर स्टार को सपोर्ट कर रहा है तो आप इस बारे में क्या कहना आप इस बारे में क्या कहेंगे कि एक स्टार दूसरे स्टार को प्रमोट कर रहा है हम दोनों आउटसाइडर्स हैं इंडस्ट्री में एंड विद यू सो माय फ्रेंड एंड आई थिंक वही करना चाहिए राइट अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करना चाहिए ऑलवेज नहीं मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत कम देखा जाता है हम लोग मिसाल बनना चाहते हैं कि दोस्ती निभाई जा सकती है और बस यही है मैडम की मूवी बहुत ठीक है yes. आपको कैसी लगी केरला स्टोरीज पसंद आई ना सो प्लीज देखिए एंड एंजॉय थैंक यू फॉर ऑल द लव बताता कहीं ना कहीं यू नो मूवी बैन भी की जा रही है इस कंट्रोवर्सी ने बहुत ज्यादा यू नो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया ये मूवी ने क्या कहना चाहिए इस बारे में I feel we live in India. It's a country जहाँ पे freedom of speech है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है फ्रीडम ऑफ थॉट है इट्स नॉट लाइक अ प्लेस जहाँ मेरा कैरेक्टर जाता है मूवी में जहाँ पे फ्रीडम ऑफ थॉट और स्पीच नहीं है और मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊँगी आपसे वहाँ पे सो इट्स गुड इफ पीपल आर अलाउड टू वॉच इट आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट फ्रीडम और उसके बाद सबके ओपिनियंस ऑब्वियसली वैलिड है नेगेटिव या पॉजिटिव यस yes, जिस तरह आपने कहा कि सबके ओपिनियंस वैलिड है तो कहीं ना कहीं दो रिलीजन के बीच में हेट्रेड यू नो फैलाया जा रहा है ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं दो एक बात आ रही है कि एक हिंदू जो गर्ल्स है वो कहीं ना कहीं डम है और जो मुस्लिम वो ऑलरेडी टेररिज्म की जो पहले से कहा जा रहा है तो इसके बारे में आप क्या जो ये बातें जो लोग बोलते हैं उन पे शक करना जरूरी है मेरे ख्याल से एंड आई थिंक कि हम लोग ऑलवेज कहते थे कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता है हमेशा से मुझे तो ऑलवेज कहा गया मेरे एल्डर्स ने कहा गया सो आई हैव बीन ब्रॉट अप बीन टोल्ड दैट टेररिज्म डजंट हैव एनी रिलीजन अटैच्ड टू इट एंड इट डज स्प्रेड हेट्रेड अपनी फिल्म डेफिनेटली टेररिस्ट के अगेंस्ट बहुत ही हेट्रेड हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं एंड आई होप वो और स्प्रेड हो जाए बिकॉज आर फिल्म इज ह्यूमैनिटी वर्सेज टेररिज्म तो ऑफ कोर्स वी शुड ऑल अपोज टेररिज्म सो कहीं ना कहीं लोगों को ये आप ये मैसेज देना चाहती हो कि मुस्लिम ही पर्सनली ना ले नहीं ले रहे एक्चुअली मूवी देखने के बाद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स हैव टोल्ड मी एंड एज फार एज हिंदू गर्ल्स बीइंग डम आई थिंक यू कांट जनरलाइज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पर जब भी कोई प्यार में है तो प्यार में सिली चीज़ें हम लोग सब करते हैं और वो कोई रिलीजन से Guys, thank you. Please movie देखिए और अपनी opinion दीजिए. Yeah, please watch IB. एक scene है second half में जहाँ पे mind games है. You all will really enjoy. Mind games. Mind games. थोड़ा पीछे जाओगे थोड़ा photo कर लेंगे. एक मिनट में देखिए और नेक्स्ट शो का टाइमिंग क्या है